नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश भर में आज रोशनी के त्यौहार दीपावली की धूम है। त्यौहार को लेकर हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दीपावली की बधाई दी है। उन्होंने कहा, दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। आशा है कि ये सभी लोग परिवार और दोस्तों के साथ शानदार दीपावली मनाएंगे। इस पर्व के दिन माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कुबेर और काली माँ की पूजा होती है। उधर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाइयां। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्यौहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने की कोशिश करें। उन्होंने सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। अयोध्या में रविवार को दीपोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपोत्सव में 17 लाख दिए जलाए गए, सरयू पर स्वर्ग लोक उतर आया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आज हम अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। हम उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं। पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। यूं सरयू किनारे दीपोत्सव हो रहा है। अयोध्या दीपोत्सव में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, जहां 1,575,000 दिए जलाए गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक स्वर्णिम के अध्याय का प्रतिबिंब लगातार दिखाई दे रहा है और हम इसके साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ पिछले 8 साल से दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, वो हमेशा ही जवानों संग ही दीपावली का पर्व मनाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जवानों के साथ लगातार दीपावली मनाते रहे। इससे पहले उन्होंने इस तरह सरहद के अलग अलग इलाकों में सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई है। 23 अक्टूबर 2014, मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 23 अक्टूबर 2014 को उन्होंने बतौर पीएम सियाचिन में पहली दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी ने पंजाब में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। यहां वे 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा भी करने पहुंचे थे। ये बात 11 नवंबर 2015 की है। वहीं 30 अक्टूबर 2016 में पीएम ने हिमाचल के किन्नौर में दिवाली मनाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। वहीं 2017 में पीएम मोदी ने जवानों के साथ ही दिवाली मनाई थी, तब वे जम्मू कश्मीर के गुरेज में पहुंचे थे। वहीं 2018 की बात करें तो 2018 में पीएम ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ उत्तराखंड के हरशिर में दीपावली मनाई। पीएम मोदी ने 2019 में एलओसी पर जवानों के साथ मनाई थी। पीएम मोदी रजौरी में एलओसी पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। वहीं 2020 की हम बात करें तो पीएम मोदी ने जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। वहीं अगर 2021 की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में जवानों संग रजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिवाली मनाई थी। इससे पहले भी पीएम मोदी दिवाली उत्सव पर लगातार अलग अलग जगहों पर जाते रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद वो 23 अक्टूबर को अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हुए। साथ ही अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामलला विराजमान के भी दर्शन किए। चलिए आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। बिजनौर में निजी डॉक्टर की लापरवाही से युवक की जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया, हंगामा किया। वहीं जाम लगने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने काफी जद्दोजहद से परिजनों को शांत कराया और जाम को खुलवाया। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने असहाओं और बाल सुधार गृह में बच्चों, वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को कपड़ों, राशन, मोमबत्तियां, फल मिठाई वितरित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर की सौहार्द से सभी प्रसन्न दिखे और दिवाली के त्यौहार पर उत्साहित दिखे तथा बच्चों ने ढेर सारा प्यार और बेसहारा बुजुर्गों ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आज पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश के अनुपालन के क्रम में हम सभी जनपद शाहजहांपुर पुलिस के अधिकारी प्रातः वहाँ बड़तारा स्थित वृद्धाश्रम गए और वहाँ जो वृद्धजन हैं, जो वहाँ रहते हैं,
उनके साथ दीपावली की खुशियां बांटी, उनको शॉल इत्यादि वितरण किया गया, मिष्ठान वितरण किया गया, मोमबत्तियाँ दी गई उनको, और दीपावली से संबंधित अन्य जो खील बताशे वगैरह हैं उनका वितरण किया गया। इसके पश्चात थाना कोतवाली अंतर्गत बाल सुधार गृह गए और वहाँ पर भी जो वहाँ बच्चे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं इनमेट्स, करीब 43 बच्चे हैं वहाँ, उनको भी कुछ फूल झड़ियाँ, मिठाइयाँ और फल इत्यादि वितरित किया गया। शाहजहाँपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को 100 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला शाहजहाँपुर के थाना ज्योतिपुर के हिम्मतपुर मंदिर चौराहे से मुरैना रोड का है। पुलिस ने गिरफ्तार को जेल भेज दिया है। ज्योतिपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति गौरव गुप्ता, सनम रमेश गुप्ता, गढ़िया रंगीन को उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास पूछताछ कर तलाशी कर 100 ग्राम चरस फाइन क्वालिटी के बरामद हुए हैं। पूछताछ के आधार पर और भी जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन के स्लीपर कोच के गलियारे में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नमाज खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ये पढ़ी जा रही थी। आरोप है कि लोगों के आने वाले रास्ते को रोककर नमाज पढ़ी गई। वायरल वीडियो सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन का बताया जा रहा है। कुशीनगर ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी जीआरपी गोरखपुर अवधेश सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है, जाँच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण वायरल वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया है, इसकी जांच करा के आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। हरदोई में रविवार के दिन सड़क हादसों में मामा भांजे की मौत हो गई, वहीं 11 लोग जख्मी हो गए। दो अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में परिवारों की दीपावली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक भेजा गया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहला हादसा कासिमपुर थाना इलाके में संडिला मलबा मार्ग पर हुआ, जहाँ मामा भांजे की मौत हुई। वहीं दूसरा हादसा लखनऊ हरदोई मार्ग पर थाना कछौना इलाके में हुआ, जहाँ 10 लोग हादसे में घायल हो गए। थाना कासिमपुर का मामला है, मल्लावा संडीला रोड पर ग्राम कहली के निकट एक पिकअप और बाइक सवार इनमें टक्कर हुई, जिसमें मौके पर दो लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके नाम राजेश व अभिषेक हैं, जो कि मामा भांजे हैं, और इनके साथ एक महिला भी मोटरसाइकिल पर थी, वो घायल हो गई हैं। ये जो घायल हैं इनको ट्रामा सेंटर भेजा गया है, और जो दोनों मृत्यु हो गई इनकी, उनका शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों द्वारा जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आपसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।